हिंदुस्तान को भले ही आज पूरे विश्व में अलग पहचान मिली हो, लेकिन हमारे समाज में आज भी लोगों की सोच बहुत छोटी है, या फिर ये कहें कि समय के बदलाव के साथ लोगों की सोच नहीं बदली, क्योंकि आज भी समाज में रंग भेद एक अभिशाप है और इसका शिकार सिर्फ लड़कियां नहीं होती बल्कि लड़के भी होते हैं। हमारे देश में रंग को लेकर के तबाक से बोला जाता है और उसके हुनर को हमेशा छुपाया जाता है। तो वही रंग भेद का शिकार हुए बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि उनको किसी ने कभी सुंदर नहीं कहा, भले ही वो एक एक्टर क्यों ना है, लेकिन हॉलीवुड पत्रकारों की तरफ से उन्हें सुंदर कहने और इटालियन अभिनेता मार्शलो मास्ट्रोइनी से तुलना करने पर उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मुझे कभी मेरे अपने देश में सुंदर नहीं बुलाया गया, मेरा काम पसंद करने वाले समीक्षकों की तरफ से भी कभी नहीं कहा गया कि मैं सुंदर हूँ, इसलिए हॉलीवुड में इतने बड़े एक्टर से तुलना करना मेरे लिए बड़ी छलांग है। बता दें कि मार्सेलो मास्ट्रोइनी बहुत बड़े एक्टर हैं, उनकी एक्टिंग में इतना दम है कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।